लोकसभा चुनाव के दौरान शहर में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। नागपुर शहर में बंदोबस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निगरानी बढ़ाती है और खुफिया विभाग भी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहा है, जिसकी जानकारी सीपी रविंद्र कुमार सिंह ने दी है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बाद नागपुर पुलिस ने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की है। नागपुर पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने इस विषय में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नागपुर शहर में बंदोबस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है और खुफिया विभाग भी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहा है। पुलिस ने नागरिकों से ज्यादा मतदान करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत होने पर 112 पर शिकायत करने की अपील की है। सीपी रविंद्र कुमार सिंघल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से शहर के पोलिंग बूथ पर बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। शहर में 839 इमारतों में कुल 2765 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांति से हो, इसलिए सभी इमारत, मतदान केंद्र, संवेदनशील जगह, महिला पोलिंग बूथ और घनी आबादी वाले सभी इलाकों में तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। आचार संहिता के ऐसे कोई सीरियस ऑफेंसेस कुछ नहीं हुए हैं। जो एक अनलॉफुल असेंबली के एक था वो हमने किया है, एक विदाउट परमिशन रैली का था। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मिक्स पॉपुलेशन, जैसे जोन थ्री में कुछ एरियाज हैं हमारे, वो कुछ है एरियाज, पर ऐसा वहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है पोल रिलेटेड हिस्ट्री कि वहाँ पे कोई दंगे हुए हैं पोल के टाइम पे या कोई बूथ में से वो ईवीएम निकाली कैप्चरिंग हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इशू। नहीं, वहाँ पे भी ऐसे कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट है। जो हमको लगता है कि भाई वहाँ पे सब लोग जाएं वोट करने के लिए तो हम वहाँ पे अच्छे से ये करें और एक समाज दूसरी समाज में कोई ऐसा टकराव ना हो, इसलिए हम लोग सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कोई इशू हो या हुआ है पिछले दिनों में जिसकी वजह से इलेक्शन में कोई बाधा आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। याच्यासाठी आपण आपले डी सी पी एच क्यूला बोलवला होता, तर याच्यासाठी आम्ही सगळ्यांना त्यांचे नाव इलेक्शन ऑफिसरला दिलेले आहेत की हे लोक राहतील आणि त्यांनी ते वोट करतील, त्यासाठी आम्ही त्यांना लिस्ट आपली सगळ्यांची दिलेली आहे आणि तो कोट कुठून वोट करतील और उसके बारे में हम ऑलरेडी जो है अभी शुरू हो गया है, मतलब आज से शायद पोस्टल बैलेट अभी से शुरू हो गए हैं, तो उसके हमने पूरी वो लिए कि हमारे पुलिस वाले मैक्सिमम वोट डालें, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी अपना वोट यहाँ पे शिफ्ट कराया तो मैं भी वोट डालूं, वो हमने सबके। वहीं नागपुर में छोट मोट घटनाएं छोड़ मतदान शांतिमय वातावरण में संपन्न होने का इतिहास है, ऐसे में पुलिस की ओर से जारी तैयारियां संभावित गड़बड़ियों को भी रोक देगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।